महासमुंद से जहां पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पाइकरा पर FIR दर्ज किया गया है। सनशाइन चिटफंड कंपनी घोटाले मामले में उन पर FIR दर्ज की गई है। डायरेक्टरों प्रचारकों को छत्तीसगढ़ में व्यापार करने और कंपनी का प्रचार करने की अनुमति देने का उन पर आरोप है। 6 से ज्यादा IAS IPS के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद खल्लारी थाने में उन पर FIR हुई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, महासमुंद से पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पाइकरा पर FIR दर्ज की गई है। सनशाइन चिटफंड कंपनी घोटाले मामले में उन पर FIR हुई है। डायरेक्टरों प्रचारकों को छत्तीसगढ़ में व्यापार करने और कंपनी का प्रचार करने की अनुमति देने का उन पर आरोप है। इसके अलावा आपको बता दें कि 6 से ज्यादा IAS IPS के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद खल्लारी थाने में उन पर FIR दर्ज की गई है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है, पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पाइकरा पर FIR दर्ज की गई है। सनशाइन चिटफंड कंपनी घोटाला मामले में उन पर FIR हुई है। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। तहसीन, रामसेवक पाइकरा पर FIR दर्ज किया गया, क्या यह पूरा मामला? देखिए, ये माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ये महासमुंद जिले में ये FIR की गई है। इसमें जो बात सामने आई है, इसमें जो पूर्व गृह मंत्री हैं रामसेवक पाइकरा समेत आधा दर्जन IAS और IPS के खिलाफ भी ये FIR इसमें की गई है। इसमें बताया जा रहा है कि कोई सनशाइन चिटफंड कंपनी थी, उसके डायरेक्टर और संचालक और इवन प्रचारकों को यहाँ पे छत्तीसगढ़ में अनुमति देने के का आरोप है। और इन्होंने यहाँ पे उसके बाद ये कंपनी यहाँ से फरार हो गई थी, करोड़ों रुपए यहाँ से लूट के, यहाँ के जो भोले भाले लोगों का। उसके बाद से ये एक याचिका लगी थी बिलासपुर में, उसकी सुनवाई पे ये बात सामने आई कि माननीय न्यायालय ने ये निर्देश दिया कि इसमें क्यों ना इनके खिलाफ FIR की जाए, जो इसको यहाँ पे परमिशन दे रहे हैं। तो ये बताया जा रहा है कि अभी तक इसमें जो बात सामने आई कि जो कंपनी के डायरेक्टर हैं बनवारी लाल बघेल और उनके जो वकील सिंह बघेल, राजीव गिरी के अलावा जो पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पाइकरा और IAS जो अधिकारी हैं रीना बाबा साहब संघाले, सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, भीम सिंह, नीलकंठ टेकाम और अमृत लाल ध्रुव का भी इसमें नाम शामिल है। इसके अलावा इसमें IPS जो है रतन लाल डांगी जी का भी इसमें नाम सामने FIR में आया है। और अभी इस पूरी मामले की जो जानकारी है वो DGP ने वहाँ IG रायपुर से मांगी है। तो कुल मिला के अभी इस पूरे मामले में भी बोलने को कोई अधिकारी तैयार नहीं है, लेकिन पूरा महासमुंद से लेके और रायपुर तक इस पूरे मामले के बाद FIR दर्ज होने का हड़कंप मचा हुआ है। जी चलिए तहसीन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। धनंजय त्रिपाठी महासमुंद से हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। धनंजय, रामसेवक पाइकरा पर FIR दर्ज किया गया है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको? जी, मैं आपको बता दूं कि खल्लारी थाने में जो आवेदक है दिनेश पानीकर, उसने एक ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि चिटफंड कंपनियों द्वारा उसके साथ ठगी हुई है। इस पे कार्रवाई ना होते देख उसने न्यायालय में भी इस प्रकरण को डाल दिया गया था कि इसमें रिपोर्ट लिख रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। तो कोर्ट से एक आदेश आया है जिसमें पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पाइकरा, IAS रीना साहब खलगे, सिद्धार्थ कोमल परदेशी, भीम सिंह, नीलकंठ टेकाम आदि के ऊपर FIR दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है। जी धनंजय, जिस तरह से ये बात सामने आ रही कि जो सनशाइन चिटफंड कंपनी थी उसके प्रचार प्रसार के लिए गृह मंत्री ने अनुमति दिया था, इसलिए उन पर ये मामला दर्ज किया गया है। जी, मैं आपको बता दूं कि जो इसमें जानकारियां निकल कर सामने आ रही हैं, इसमें निर्देशकों के, इस कंपनी के चिटफंड कंपनी के निर्देशकों के ऊपर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। पर इन्होंने जो आवेदन दिया था उसमें इन्होंने अपनी शिकायत गृह मंत्री से और IAS से भी की थी, उन्होंने कार्रवाई नहीं की है। उसे देखते हुए आदेश, उनके आवेदन पे जितने भी नाम है सभी के आदेश जारी किया गया। चलिए धनंजय, आप हमारे साथ बने रहेगा, तहसीन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तहसीन, जिस तरह से चिटफंड कंपनी का जाल छत्तीसगढ़ में बिछा, करोड़ों रुपए लूट के यहाँ से कंपनी ले गई, लगातार ये इस बात पर चर्चा है कि ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कुर्की कर लोगों के पैसे वापस किए जाएंगे। अब गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री पर भी मामला दर्ज किया गया, तो किस तरह से देखिए इस पूरे मामले को? निश्चित तौर पर ये जो FIR हुई है, ऐसी करीब सैकड़ों जो पीड़ित लोग हैं जिनके साथ ये जो चिटफंड कंपनियां जो उनसे जिनकी जो मेहनत की कमाई है वो लेके यहाँ फरार हो गए थे। उसके बाद से जब नई सरकार आई है, मुकेश सरकार ने आते ही इसमें
कहा था कि इनके जो चिट फंड कंपनियों के जो प्रॉपर्टी हैं उनको बेचकर उनको उनसे रिकवरी करके उन जो पीड़ित लोग हैं उनको मुआवजा दिलाया जाएगा। इसके अलावा इसमें एक राज्य सरकार का एक बहुत अच्छा फैसला उन्होंने शुरू में दिया था कि इस बात में जो उनके जो निवेशक निवेशकों और कंपनी के बीच में जो एजेंट होते थे वो कंपनी के लिए काम करते थे उनपे जो FIR हुई है उनकी भी वापसी की बात राज्य सरकार ने कही थी और उनमें से कई लोगों की FIR जो है वापिस भी हुई है, उनका निराकरण भी हुआ है। तो उसके बाद जो कंपनी ने इसमें कुछ प्रकरण जो राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में भी लगे हैं और उसमें अनुमति मांगी गई है कि कुछ बड़ी कंपनियां जो थी चिटफंड कंपनियां जो छत्तीसगढ़ के भोले वाले लोगों से करोड़ों रुपए लेके फरार हो गई थी उनकी जो प्रॉपर्टी जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में है उसको बेचकर जो पीड़ित लोग हैं उनकी जो मेहनत की गाड़ी कमाई है उसको वापिस कराने का प्रयास के चलते कोर्ट में आवेदन लगे। तो निश्चित तौर पर ये एक स्वागत योग्य फैसला था राज्य सरकार का। उसके बाद से अभी ये जो फैसला आया है जिसमें खल्लारी निवासी जो पीड़ित हैं उनके आवेदन पे इतनी बड़ी कार्रवाई का निर्देश जो हाईकोर्ट ने दिया है निश्चित तौर पे वो जो पीड़ित है उसको बिल्कुल राहत मिलेगी और जो ऐसे पीड़ित लोग हैं उनके लिए भी एक उम्मीद की किरण यहाँ पे जागी है। जी चलिए, तो निश्चित रूप से उम्मीद यही की जा रही है कि जिन जो चिटफंड कंपनी गरीब लोगों का पैसा आम लोगों का पैसा लेकर यहां से भागी उनके पैसे सरकार की ओर से वापस जरूर होगा। धनंजय त्रिपाठी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धनंजय, जिस तरह से जिस कंपनी की बात यहां पर हो रही है सनशाइन चिटफंड कंपनी, किस तरह से महासमुंद में एक कंपनी काम करती थी, किस तरह से लोगों को झांसे में लेती थी यह कंपनी? चलिए, फिलहाल धनंजय त्रिपाठी हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं तहसीन जैदी का। तहसीन, जिस तरह से एक तो ये जो कंपनी है सनशाइन चिटफंड कंपनी, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है कि ये किस तरह से काम करती थी, किस तरह से लोगों को झांसे में लेती थी ये कंपनी? देखिए, ये बताना चाहूंगा कि ये जो कंपनी है सनशाइन कंपनी जिसके डायरेक्टर और प्रचारकों के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है उसमें ये जो कंपनी है लोगों को इस बात का लालच देती थी, लुभावने लालच देती थी कि स्कीमें चला के कि कम समय में ज्यादा पैसा पैसा लगाने पे पैसा मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने की बात। लेकिन जब ये मेच्योर होता था वो पैसा नहीं मिल पाता था और ये बोलते थे कि आगे और बढ़ा दीजिए तो आगे और मिलेगा। तो उसी चलते ये धीरे धीरे लोगों ने पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों जो थे ग्रामीण अंचल में ये कंपनी ने ज्यादा काम किया है। जैसा बताया जा रहा है कि इस कंपनी के द्वारा जो भोले भाले जो ग्रामीण लोग हैं उन लोगों को ज्यादा ठगा गया है और ग्रामीण अंचल में इसमें ज्यादा एजेंट बनाए गए और वहां से एक मोटी रकम लेके रातों रात ये फरार हो गए थे। और ये इनका जो कार्यकाल रहा है जो इनकी जो यहाँ छत्तीसगढ़ में इन्होंने कहा था ये 2014 के बाद से इन्होंने यहाँ पे कंपनी को एस्टेब्लिश किया था छत्तीसगढ़ में। और ये बताया जा रहा है कि इनके द्वारा दंतेवाड़ा से जसपुर तक एजेंट भी बनाए गए थे और इसमें लुभावनी स्कीम भी चलाई गई थी और लोगों से ये कहा गया था कि एक छोटी रकम लगा दिए मोटी रकम इनको कई कम समय में दी जाएगी। तो उसके झांसे में कई ग्रामीण आए थे, उसके बाद ये पैसा लेके कंपनी चली गई थी। उसके बाद से लोग जो है वो भटक रहे थे। उसके बाद ये जो खल्लारी निवासी इन्होंने ये आवेदन लगाया था और इसमें ये भी कहा था कि जो क्योंकि अधिकारी जिन अधिकारियों के नाम आए हैं बताया जा रहा है कि जो अधिकारी जो IAS IPS हैं इनके पास भी अपनी फरियाद लेके गए थे लेकिन उन्होंने इसमें कोई उनकी मदद नहीं करी थी। उसके बाद इनको न्यायालय की शरण लेना पड़ा था और न्यायालय की शरण लेने के बाद से ये फैसला एक आया है और जिसमें ये कहा गया है कि इनके जो अधिकारी थे जो उस दौरान तत्कालीन जो अधिकारी हुआ करते थे ये तो उसमें इनके खिलाफ भी FIR इसमें की गई है। और इसमें जो अनुमति देने की जो बात आई है कि कंपनी यहाँ काम कर सकती है तो उन अलग अलग उन दौरान की जो जिनके नाम आए हैं वो अलग अलग समय में वहाँ कलेक्टर भी रहे हैं, SP भी रहे हैं। तो उसके चलते ये पूरे उनके नाम आने के बाद ये FIR हुई है। और निश्चित तौर पर अच्छा एक बात इसमें बताना चाहूंगा श्रवण जी कि इस पूरे मामले की FIR होने के बाद पुलिस के ने जो उनका जो एक पोर्टल है उसमें से ये FIR वहां से हटा दी है और इसे निश्चित तौर पर सामने आता है कि ये इसमें सार्वजनिक नहीं करना चाह रहे। लेकिन ये पहली बार IAS और IPS और साथ में गृह मंत्री जो है उनके खिलाफ ये FIR हुई है हाईकोर्ट के निर्देश के बाद। जी चलिए, तहसीन अब हमारे साथ बने रहिएगा, धनंजय के पास एक बार फिर से चलते हैं। धनंजय, जिस तरह से ये बताया गया कि लोगों को झांसे में लिया गया, पैसा दोगुना करने की बात कही गई और उसके बाद ये कंपनी लोगों का पैसा समेट कर यहां से फरार हो गई, कितने लोगों को इस कंपनी ने अपना शिकार बनाया, कितने हैं पीड़ित यहाँ पर? जी मैं आपको बता दूं कि सनशाइन चिटफंड कंपनी है जो है
यहाँ पर एजेंट बनाकर उनको सपने दिखाकर लोगों को पैसा दुगना करने की बात कर रही थी कि 5 साल में पैसा दुगना कर देंगे। इसमें जो रिपोर्ट करता है दिनेश पानीकर, उन्होंने 11 लाख रुपए अपने परिवार के विभिन्न व्यक्तियों के नाम से इस कंपनी में रायपुर में जमा कराए गए थे। ऐसे ही जिले के सभी थानों में चिटफंड कंपनियों के नाम से सैकड़ों आवेदन है जिसमें अभी तक कार्रवाई होनी बाकी है, और इसमें कार्रवाइयां नहीं की जाती है क्योंकि मामला ये सब रायपुर का रहता है, उनके एजेंट यहाँ रहते हैं और लोगों को चुटिया बनाकर और गलत तरीके से पैसे को जमा करा लेते हैं, बाद में इन्हें पैसा नहीं मिल पाता है। जी चलिए धनंजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। साथ में तहसीन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।